Good afternoon, students. Welcome to online learning. So today is 10th April 2020 and we will deliver lecture for 12th maths students on topic relations and functions. And this is your lecture number 2. The students as 10th April 2020 hai aur क्लास 12th मैथ्स स्टूडेंट के लिए यह लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस. इस पर आज सेकंड लेक्चर डिलीवर किया जाएगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट लेक्चर. सो इन स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग सेट्स, सबसेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन A cross B, Cartesian product on A. So just have a recap of last lecture. What we have discussed in last lecture? We have discussed in last lecture that Cartesian product on A cross B, Cartesian product on A cross B. And we have discussed two terms here. हम लोगों ने ऐसे दो terms discuss किए थे. एक तो Cartesian product on A cross B और एक हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए, तो ये बताया गया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो देखो, ये ए क्रॉस बी है. ये तो आपने देखा था कि ए क्रॉस बी है. सपोज ए कोई सेट है 1 2 3 और हमारे पास B कोई सेट है 7 8 9, तो वी कैन राइट A क्रॉस B एज 1 7 1 8 1 9 2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 एंड 3 9. ये सारी बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इसको समझते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन A. तो ये मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन A का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन A क्रॉस A. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन A क्रॉस A ये हिडन है यहाँ पर. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए क्रॉस ए होता है. तो कभी भी आपसे पूछा जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए, और मान लो ए 1 2 3 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑन ए कुछ ऐसे लिखा जाएगा कि हम लोग ए क्रॉस ए करेंगे, तो ए को ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3, कुछ इस तरीके से 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना तो इजी है, बट बेसिकली हमें ये समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए का क्या मतलब होता है. क्योंकि जब हम लोग आगे रिलेशंस में आगे लेक्चर देखेंगे तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा लिखा रहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन कैपिटल आर, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन रियल नंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन जेड मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन इंटीजर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन कैपिटल एन दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन नेचुरल नंबर, लाइक दिस. ओके, सो आई होप अभी बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सबसेट्स क्या होते हैं. ओके, नाउ सपोज आई एम कंसिडरिंग सेट ए एज 1 2 3. मान लो यहीं पर अभी हमने एक सेट लिया है, बी लिया है, तो बी इज 7 8 9 7 8 9. सो एट फर्स्ट वी विल राइट ए क्रॉस बी. चलो ए क्रॉस बी लिखें, तो क्या होगा ए क्रॉस बी 1 7, फटाफट लिखें इसको 1 7 1 8 1 9, ठीक है 2 7 2 8 एंड 2 9, फिर क्या लिखोगे 3 7, ठीक है 3 8 एंड 3 9. कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया. अब हम लोग समझते हैं रिलेशंस के बारे में. तो देखो, ये रिलेशन क्या होता है एक्चुअली. सो रिलेशन इज एनी सबसेट, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ,
रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो ये हमने लिखा रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। यहाँ पर हमने नॉन एम्प्टी लिखा है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, एक एक्सेप्शन केस भी आता है जब सेट्स एम्प्टी हो जाते हैं, तो हम लोग अलग से बात करेंगे। इन जनरल रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो देखो ये टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, हमने दो नॉन एम्प्टी सेट्स यहाँ पर ए एंड बी रखा है, इसमें कुछ ना कुछ एंट्रीज है इसलिए नॉन एम्प्टी है, इसमें भी कुछ एंट्रीज है ये भी नॉन एम्प्टी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, तो ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स क्या, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट रिलेशन कहलाता है ऑन ए क्रॉस बी। तो रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, हो सकता है देखो ये रिलेशन फाइव हो सकता है, क्योंकि ए क्रॉस बी में अभी 1 7 एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट 1 8 है, थर्ड एलिमेंट एंड लाइक दिस। तो आप इसके सबसेट्स कैसे लिखोगे, और नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फाइव इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फाइव किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो हमने आर इक्वल्स टू फाइव लिखा है, तो वी कैन से दिस इज आर इक्वल्स टू फाइव इज ए रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी पर कोई रिलेशन है आर इक्वल्स टू फाइव। सिमिलरली आप कोई सा भी एलिमेंट्स, अगर हम कोई दो एलिमेंट्स ले लें यहाँ पर 1 7 और 1 8 और बंद कर दें, तो हम बोल सकते हैं कि दिस आर, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप इसको आर वन आर टू भी बता सकते हो, दिस इज वन रिलेशन, दिस इज सेकेंड रिलेशन, 1 7 1 8, दिस इज रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी। ओके, थोड़ा और डिटेल में आप इस पर बात करें, ये तो डेफिनेशन वाइज है कि रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इस पर हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ सकते हैं, जैसे कि मान लें हमें लिखा गया कि आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट विच बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यहाँ ए क्रॉस बी की बात हो रही है, तो फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल ए को बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट कैपिटल बी को बिलोंग करता है। तो आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पर एक कंडीशन लिखा होता है सच दैट, तो सपोज हम ये कंडीशन लिख लें कि बी माइनस ए इज ग्रेटर देन 20, बी माइनस ए इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, बी माइनस ए ग्रेटर देन 20। अभी सेट में कौन कौन से मेंबर्स आएंगे, यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू ए है, बी बिलोंग्स टू बी है, तो ए इज़ द फर्स्ट मेंबर, बी इज़ द सेकेंड मेंबर, तो ये रिलेशन किस पर बन रहा है, तो ए फर्स्ट मेंबर है, बी सेकेंड मेंबर है, ए क्रॉस बी पर ये रिलेशन बनेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो आप कैसे ढूंढोगे वो एलिमेंट, जैसे ये ए कमा बी है, तो इसके लिए ए फर्स्ट मेंबर ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 7 है, तो क्या 1 7 इस रिलेशन का एलिमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, वेदर 1 7 इज एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन और नॉट, हाउ वी विल वेरीफाई, कैसे वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, अगर b माइनस ए ग्रेटर देन 20 ट्रू है 1 7 के लिए, तो आप 1 7 को इस रिलेशन में रख सकते हो। ये कैसे चेक करेंगे, तो b माइनस ए 7 माइनस 1 इज 6,
बट बी माइनस से ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, 6 तो 20 से ग्रेटर नहीं है, समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ। 1,7 बी माइनस है, 7 माइनस 1 6 आ रहा है, जबकि बी माइनस है 20 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 1,7 तो हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे ना, यहाँ नहीं लिख पाएंगे 1,7। ओके चलो 1,8 को चेक करो, 8 माइनस 1 बी माइनस है 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, बी माइनस है होना क्या चाहिए ग्रेटर देन 20, तो आप 1,8 को भी यहाँ नहीं रख पाएंगे। फटाफट सभी को चेक करो, 9 माइनस 1 8 ये भी नहीं आएगा क्योंकि 20 से ग्रेटर होना चाहिए, 7 माइनस 2 5 ये भी नहीं है, 8 माइनस 2 6 9 माइनस 2 7 7 माइनस 3 4 8 माइनस 3 5 9 माइनस 3 6 इनमें से कोई सा भी इंट्री इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसका मतलब हमें कर्ली ब्रेसेस अब क्लोज कर देना चाहिए। तो आर इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। देखो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप कर्ली ब्रेसेस दोनों साइड से लगा लें और बीच में कुछ भी ना रहे, कोई एंट्री ना रहे, या फिर आप फाइल लिख लो। तो ये एम्प्टी सेट को बताता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे थे कि किस तरह से ए क्रॉस बी पर एम्प्टी रिलेशन होल्ड करता है। एम्प्टी रिलेशन को वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, या आप इसको नल रिलेशन भी बोल सकते हैं, बट मोस्ट पॉपुलरली इसको एम्प्टी रिलेशन के नाम से जाना जाता है, ये इनके दूसरे नाम है। ओके तो एम्प्टी रिलेशन हमने यहाँ पर देखा ए क्रॉस बी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर एम्प्टी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके तो चलिए देखें अब हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब है, मतलब ए क्रॉस बी में देखो लास्ट अभी जो आपने पढ़ा है, ए क्रॉस बी में जितने भी मेंबर्स हैं सबके सब इंक्लूड हो जाए रिलेशन में, एवरी मेंबर कंट्रीब्यूट करे, पूरा का पूरा ए क्रॉस बी इंक्लूड हो जाए, इनके सभी मेंबर्स इंक्लूड हो जाए, ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो इसको हम समझेंगे कैसे, यूनिवर्सल रिलेशन में मैंने सपोज लिख दिया आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी, और मैंने लिख दिया कंडीशन मान लो कि बी माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो। पिछले केस में मैंने क्या लिया था, बी माइनस ए ग्रेटर देन 20, अभी मैंने लिख दिया बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। तो आप इस रिलेशन के मेंबर्स को देखो, अभी जो लास्ट एग्जांपल हमने लिया है ए क्रॉस बी, उसी पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका ए क्रॉस बी है। अब इस ए क्रॉस बी में हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। आप चेक करो इसको बी माइनस ए के लिए, तो 7 माइनस 1 कितना रहा 6, तो ये तो ग्रेटर देन जीरो है ही, तो 1,7 इंक्लूड हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, 1,8 यहाँ पर भी बी माइनस ए कर रहे हैं, 8 माइनस 1 7 दिस इज ग्रेटर देन जीरो, 9 माइनस 1 8 ग्रेटर देन जीरो, 7 माइनस 2 5 ये भी ग्रेटर देन जीरो है, 8 माइनस 2 6 ग्रेटर देन जीरो, 9 माइनस 2 7 ग्रेटर देन जीरो, 7 माइनस 3 4 ग्रेटर देन जीरो, 8 माइनस 3 5 ग्रेटर देन जीरो, 9 माइनस 3 6 ग्रेटर देन जीरो। तो सभी के सभी मेंबर्स इंक्लूड हो गए, इस तरह से हमने इसको लिख दिया 1 7 1 8 1 9 एंड 2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 एंड 3 9। ओके तो व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी पार्टिसिपेट्स इन रिलेशन, और वी कैन से कि जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इंक्लूडेड इन रिलेशन, देन सच अ रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, दिस इज सो कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। वी कैन राइट व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ
ए क्रॉस बी पार्टिसिपेट इन अ रिलेशन, पार्टिसिपेट इन अ रिलेशन देन सच रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने ये सीखा कि रिलेशन क्या होता है। तो व्हाट इज़ रिलेशन, रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, कोई भी सबसेट लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट अक्रॉस पी का, जैसे पहला एग्जांपल आपने लिया एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर एम्प्टी सेट, तो ये क्या है, ये एक सबसेट है अक्रॉस बी का, अक्रॉस बी का सबसेट है क्योंकि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट। तो ये एक रिलेशन है, रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो आपने एम्प्टी रिलेशन के बारे में देखा कि व्हेन नन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी पार्टिसिपेट इन अ रिलेशन देन सच रिलेशन इज नोन एज एम्प्टी सेट्स। मतलब ए क्रॉस बी का कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट ना करे किसी रिलेशन में तो उस रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, और जब ऑल एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करे तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ओके, सो थैंक यू, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे।